हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टू बॉक्स ऑफिस। बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर राइस ऑफ बीट्स इस मूवी का 7 जगह लेकर, फर्स्ट टेक्स इस मूवी का 28 जगह लेकर, बात करेंगे स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स इस मूवी का 14 जगह लेकर। आपको बता दूं ये तीनों फिल्म ही हॉलीवुड में है। हॉलीवुड में रिसेंटली ये तीनों फिल्म बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर जा चुका है। दर्शकों ने हॉलीवुड फिल्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इंडियन मार्केट में भी तीनों फिल्म क्लीन हिट या ब्लॉकबस्टर हो पाया है। बात करेंगे इन तीनों जगह लेकर। अच्छा लगा तो लाइक करना और अगर चैनल अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना जो बॉक्स ऑफिस चैनल को। पहले बात करें फर्स्ट टेस्ट को लेकर, इसमें का बजट है 340 मिलियन डॉलर। लीडर में है विन डीजल सर। 28 डेज कंप्लीट क्या है फर्स्ट टेक्स, एक अच्छी फिल्म है। विन डीजल सर ने अपने कैरियर में बहुत फिल्म किया, लेकिन आप लोग जानते हैं फर्स्ट टेक्स, फर्स्ट सगा या फर्स्ट एंड फ्यूरियस 10 इस मूवी को कहा जाता है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर चुका है। अपने 28 डेज में इस मूवी ने ऑल इंडिया ग्रॉस सेशन किया 70 लाख, वर्ल्ड मार्केट सेशन किया 5 मिलियन यूएस डॉलर, और ग्रॉस ने 763 मिलियन यूएस डॉलर। मूवी लाइफ टाइम में 800 मिलियन यूएस डॉलर प्लस बिजनेस करेगा और मूवी ऑलरेडी एक बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बन चुका है। अब बात करें स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स को लेकर, इसमें का बजट 100 मिलियन यूएस डॉलर। लीडर में है शेमिक मोर्सर। सबने 14 डेज कंप्लीट किया है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स। आप लोग जानते हैं इस मूवी को बहुत ही बिग रिलीज इंडियन मार्केट में किया गया है, मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज किया गया, लेकिन फिर भी मूवी का बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस हमें लगता है इंडिया में कम था। वर्ल्ड मार्केट में मूवी ने बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर कलेक्शन कर पाया है। अपने 14 डेज में ऑल इंडिया ग्रॉस सेशन के 2 करोड़ रुपीज, वर्ल्ड मार्केट सेशन के 30 मिलियन यूएस डॉलर, ग्रॉस ने 460 मिलियन यूएस डॉलर। आपने अभी तक स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स नहीं देखा, देख लेना। कमेंट बता सकते हैं ये फिल्म आप लोग कैसा लगा। अब बात करें ट्रांसफॉर्मर राइस ऑफ बीस को लेकर, इसमें का बजट है 200 मिलियन यूएस डॉलर। लीडर में है एंथोनी रामोस सर। सर पे 7 डे कंप्लीट क्या है एंथोनी रामोस सर का ट्रांसफॉर्मर राइस ऑफ बीस। आप लोग जानते हैं ये एक अपकमिंग मस्ट अवेटेड बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म था, जिसको लेकर दर्शक बता रहे थे कि ये फिल्म बहुत ही अच्छा कलेक्शन इंडियन मार्केट में कर पाएगा। ट्रांसफॉर्मर इंडियन मार्केट में अच्छी कलेक्शन किया, वर्ल्ड मार्केट में भी मूवी का कलेक्शन बहुत ही बढ़िया है। अपने 7 डे में ऑल इंडिया ग्रॉस सेशन के 5 करोड़ रुपीज, वर्ल्ड मार्केट सेशन कलेक्शन के 35 मिलियन यूएस डॉलर, ग्रॉस ने 305 मिलियन यूएस डॉलर। आपने अभी तक ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ बीस, स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स फर्स्ट टेक्स नहीं देखा, देख लेना। कौन बता सकते हैं सारे मूवीज में सबसे अच्छा, सबसे बड़ी बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर हॉलीवुड फिल्म कौन सा है। धन्यवाद।